संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का इस बीच बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर सदन को चलाना है, संविधान और नियम के तहत हम काम करते हैं। तो देखिए, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का स्टेटमेंट आ गया है, सबको मिलकर सदन को चलाना है। आज से सत्र की शुरुआत हो रही है संसद की, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो रही है। सबको मिलकर सदन को चलाना है, संविधान और नियम के तहत हम काम करते हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान सुन लेते हैं। जो ट्रेडिशन है, नियम है, उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। इसलिए जब आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आप मिलेंगे कि मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं। जनता ने अपना फैसला सुनाया और जनादेश के बाद सरकार और विपक्ष मिलकर के मेरे साथ मेरे सहयोगी कमलेश जुड़ गए हैं। कमलेश का रुख कर लेते हैं। कमलेश, किरेन रिजिजू साहब को हम सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम नियमों के तहत काम करते हैं, सबको मिलकर के सदन को चलाना है। आज से सत्र की शुरुआत हो रही है। हालांकि देखिए, शुरुआत के समय में तो शपथ ही ली जाती है सांसदी की, लेकिन विपक्ष की तरफ से संकेत दे दिए गए हैं कि कुल मिलाकर के एक तरफ इंडिया गठबंधन एक तो अपनी एकजुटता का संदेश देने की हर संभव कोशिश करेगा और शुरुआत में ही विरोध शुरू हो गया है प्रोटेम स्पीकर को लेकर के इंडिया गठबंधन की तरफ से। जी बिल्कुल ठीक कहा कि अब प्रोटेम स्पीकर को लेकर विपक्ष का रवैया बिल्कुल क्लियर हो गया है कि वो विरोध करेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाई है कि प्रोटेम स्पीकर के लिए जो 5 लोगों को नामित किया गया था उनमें से 3 लोग विपक्ष के लोग हैं, उनको लेकर विपक्ष अभी भी भ्रम की स्थिति में है। विपक्ष ने कहा है कि वो सहयोग नहीं करेंगे प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाने के कार्यक्रम में, यानी वो अब शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे ये बात क्लियर नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो 3 सदस्य हैं जो विपक्ष की ओर से विपक्ष के लोग नामित किए गए हैं वो सहयोग नहीं करेंगे, बीजेपी के 2 लोग हैं वो प्रोटेम स्पीकर को सहयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में चूंकि पूरी प्रक्रिया जो अगर देखेंगे तो प्रोटेम स्पीकर ने शपथ ले लिया है, प्रोटेम स्पीकर सदन के अंदर आएंगे। सबसे पहले जो 5 नामित लोग जो प्रोटेम स्पीकर को सहयोग करने के लिए नामित किए गए उनको 5ों को शपथ दिलाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ सदन के नेता के रूप में शपथ लेंगे, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लोग शपथ लेंगे। अगर ये प्रक्रिया में विपक्ष के लोग सहयोग नहीं करते तो ऐसी स्थिति में जो 2 बीजेपी की तरफ से नामित सदस्य हैं उनको ही प्रोटेम स्पीकर को सहयोग करना पड़ेगा, सभी सदस्यों को आज और कल शपथ दिलाने के कार्यक्रम में। जहां तक बात अपने लोकसभा स्पीकर को लेकर कही तो जाहिर सी बात है, चूंकि लोकसभा स्पीकर का नाम खुद प्रधानमंत्री नामित करने वाले हैं लोकसभा में, उनके बाद विपक्ष का रवैया साफ होगा कि क्या वो लोकसभा स्पीकर के नाम पर सहमति देते हैं या विरोध करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, विपक्ष ये कह सकता है कि लोकसभा स्पीकर का चयन है अब तक सर्वसम्मति से, यानी विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेके किया जाता रहा है। विपक्ष का आरोप ये जायज हो सकता है कि विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर चूंकि लोकसभा में एनडीए की संख्या बल सबसे ज्यादा है और परंपरा के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष का पद एनडीए के पास ही आएगा और स्पीकर का डिप्टी स्पीकर का पद अगर सरकार चाहेगी तो वो विपक्ष के पास जाएगा। लेकिन अब ये स्टैंड खुद विपक्ष के लोगों को करना है कि क्या वो प्रोटेम स्पीकर के शपथ ग्रहण समारोह में अपने लोगों को जो नामित किए गए हैं उनको शपथ के लिए आगे करते हैं या फिर बीजेपी को या सरकार को जो 2 बीजेपी की ओर से नामित लोग हैं वही लोग प्रोटेम स्पीकर को सहयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर संसद में चेयरपर्सन के पैनल को ज्वाइन नहीं करने की बात विपक्ष कर रहा है। इसमें जो 3 नाम है उसमें सुरेश कोजी कुनील, जिन्हें सबसे वरिष्ठ सांसद के रूप में भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी से हैं, 8 बार के सांसद रह चुके हैं, लेकिन इनको तवज्जो न देते हुए जिस तरीके से भतृहरि महताब को जो 7 बार के सांसद ही हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, इसका विरोध ही विपक्षी खेमा कर रहा है। इसके अलावा देखिए, जो संसद के चेयरपर्सन का पैनल है इसमें सुरेश कोजी कुनील के अलावा थलीकोट्टई राधुवेश्वर बालू और साथ में सुदीप बंदोपाध्याय, ये जो 3 लोग हैं ये तो विरोध कर रहे हैं। 2 और लोग, जैसा कि आपने खुद कहा कि राधा मोहन सिंह और फगन सिंह कुलस्ते, इन्हीं की मदद से फिर बाकी के तमाम जो सदन की कार्रवाई होती है उसे मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन पैनल में जैसा कि 5 लोगों के होने का प्रावधान है, 5 के बिना भी क्या काम सुचारू रूप से किया जा सकता है? कमलेश, ये समझना चाहती हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। आपको याद होगा कि जब भी लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं तो वो बारी बारी से हर साल पांच पांच लोगों के आस लोग नामित करते हैं सदन को चलाने के लिए, जो हेल्प करते रहते हैं, उनको पीठासीन अधिकारी करते हैं। अगर जो भी अवेलेबल पीठासीन अधिकारी होता है वो सदन की कार्यवाही को कंडक्ट करता है। ऐसी स्थिति में अगर विपक्ष के तीन लोग शामिल नहीं होते हैं और प्रोटेम स्पीकर को शपथ नहीं लेते हैं तो जाहिर सी बात है बाकी जो बचे दो लोग हैं बीजेपी के उनको ही शपथ दिलाने में मदद करनी होगी। ये बात अलग है कि वो बारी बारी से जो तीन लोग बचेंगे प्रोटेम स्पीकर के अलावा दो फग्गन सिंह कुलस्ते और राधा मोहन सिंह, इन तीनों को ही सहयोग करना पड़ेगा बाकी आज और कल तमाम लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के कार्यक्रम में। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आपने स्पीकर को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट की कि स्पीकर तो जाहिर है सत्ता पक्ष की तरफ से ही होगा और डिप्टी स्पीकर को लेकर के अगर सत्ता पक्ष चाहे तो विपक्षी खेमे से किसी चेहरे के लिए चयन किया जा सकता है, बावजूद इसके क्योंकि टीडीपी और जेडीयू दो महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टियां हैं और बीजेपी की कोशिश यही होगी कि स्पीकर उनकी तरफ से और डिप्टी स्पीकर इन दोनों में से किसी एक पार्टी का हो सकता है। ऐसे में विपक्ष के हाथ में कुछ नहीं आने वाला, यानी अध्यक्ष और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर के सदन में चयन के दरमियान भी हम विपक्षी खेमे से जबरदस्त हंगामा होता देख सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये संभव है कि 26 तारीख को जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा तो उस समय आपको हंगामा देखने को मिल सकता है तब जबकि विपक्ष आरोप निश्चित रूप से विपक्ष आरोप लगाएगी हमको विश्वास नहीं लिया गया और लोकसभा स्पीकर का नाम खुद सत्ता पक्ष ने अपनी ओर से नामित कर दिया और उस समय 26 तारीख की खुद प्रधानमंत्री जयी सदन की कार्यवाही शुरू होगी, प्रधानमंत्री खुद नामित करेंगे और जो परंपरा है प्रधानमंत्री के नामित करने के बाद प्रोटेम स्पीकर और प्रधानमंत्री स्पीकर के चेयर पर जिस व्यक्ति का वो नाम लेते हैं लेके जाएंगे और बाद में अगर जरूरत पड़ी तो ध्वनिमत से या फिर वोटिंग के आधार पर उनका चयन किया जाता है। अगर वो चयनित हो जाते हैं तो उसके बाद निश्चित रूप से विपक्ष की ओर से दबाव होगा कि वो डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें मिले। परंपरा है लेकिन पिछली बार का अगर परंपरा देखेंगे पिछली बार डिप्टी स्पीकर का पद किसी को नहीं गया था। ऐसी स्थिति में बहुत संभव है कि डिप्टी स्पीकर का पद इस बार भी विपक्ष को नहीं जाए क्योंकि बीजेपी ये मान के चल रही कि अपने सहयोगी टीडीपी या जेडीयू में से किसी को दे सकती है अगर इन दोनों दलों की ओर से डिमांड करे। मेरी जानकारी के मुताबिक अब तक जेडीयू की ओर से कोई डिमांड नहीं की गई है कि डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें दिया जाए। टीडीपी का रुख अभी साफ नहीं है, अब देखना होगा क्योंकि आज और कल सभी लोकसभा की तरह ही इस बार भी डिप्टी स्पीकर सदन में नहीं होगा ये भी प्रश्न है। हालांकि क्योंकि सहयोगी पार्टियों में टीडीपी और जेडीयू महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं तो इनकी तरफ से किसी एक को डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन 17वीं छोड़कर के 16वीं में अन्नाद्रमुक के थंबीदुरई जो थे वो डिप्टी स्पीकर बनाए गए थे। फिलहाल अब स्पीकर के चुनाव को लेकर के डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या कुछ तस्वीर निकलती है इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया कमलेश विस्तार से सदन की आगे होने वाली कार्रवाई के बारे में तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।